हे सपोर्टर्स, मिस्टर इन्फॉर्मर इज हियर। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वर्ल्ड की बेस्ट टॉप 10 एनिमेटेड मूवीज की लिस्ट, और ये मूवीज आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएंगी। और टू बी ऑनेस्ट, इस लिस्ट में जितनी भी मूवीज हैं वो काफी ज्यादा मास्टरपीस और माइंड ब्लोइंग है। आई मीन, इन मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। और इस लिस्ट की जो टॉप 3 मूवीज हैं वो तो इतनी ज्यादा इमोशनल है कि आप जब उन मूवीज को देखने बैठेंगे तो आपके आंख से आंसू डेफिनेटली जरूर निकल जाएंगे। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, जब आप ये वीडियो देखेंगे और फिर उन मूवियों को देखेंगे तब जाके समझेंगे। वैसे मैंने यहाँ ही इन मूवियों की काफी ज्यादा तारीफ कर दी है, और आपका और वक्त ना लेते हुए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। Like you, be strong, to hold the powers of the sun. हाउल मूवी कैसल एक फैंटेसी एडवेंचर फैमिली मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है हायो मियाज़ाकी ने। और हायो मियाज़ाकी अपने वेल डायरेक्शन के लिए ही जाने जाते हैं, और उनमें से एक उनकी मूवी है हाउल मूवी कैसल, जिस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि एक सोफी के कैरेक्टर जो एक टाउन में रह रही होती है उसे एक बार एक चुड़ैल एक शराब दे के चली जाती है। और फिर इस मूवी में यही सब दिखाया जाता है कि क्या सोफी अपना वो शराब हटा पाएगी या नहीं। और साथ ही में इस मूवी के जो कैरेक्टर्स हैं उनकी भी हमें स्टोरी दिखाई जाती है, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं और काफी ज्यादा फील भी कर पाते हैं। और इस मूवी की काफी स्ट्रॉन्ग स्टोरी जो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। और इस मूवी का एक कैरेक्टर था कैल्शिफर जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था। और ये मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी, वो भी नेटफ्लिक्स पर। टॉय स्टोरी 3, और सच में ये मूवी भी काफी ग्रेट मूवी है। आई मीन, काफी ज्यादा इमोशनल मूवी है। और इस मूवी में हमें दिखाया गया था कि एंडी अब बड़ा हो चुका है, और जो वुडी के दोस्त हैं, आई मीन एंडी के खिलौने, और वैसे ही वुडी भी एंडी का खिलौना है, तो उन सबको लगता है कि एंडी अब बड़ा हो चुका है तो वो हमें कहीं छोड़ ना दे। और इसी डर के मारे वुडी और वुडी के दोस्त कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं जिस वजह से वो काफी बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। और वो मुसीबत क्या, ये सब जानने के लिए आपको देखनी होगी टॉय स्टोरी 3, जिसके लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इस मूवी की स्टोरी सच में आपके दिल को छू जाती है। और फिर आता है इस मूवी का एंडिंग सीन, जिस सीन को देखने के बाद तो अच्छे अच्छों के आंखों से आंसू आ जाएंगे, भाई मेरे भी आए थे। और इस मूवी को ऑस्कर अवार्ड भी मिला था बेस्ट एनिमेटेड मूवी के लिए, और ये मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। वैसे लगभग सभी ने इस मूवी को देखा होगा क्योंकि ये मूवी काफी फेमस थी। प्रिंसेस मोनोके, और इस मूवी को भी डायरेक्ट किया है हायो मियाज़ाकी ने, और ये मूवी भी काफी इंटरेस्टिंग मूवी है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि एक टाउन में हाशिताका रह रहा होता है और उस टाउन पे एक शुगर हमला कर देता है और हाशिताका उस शुगर को मार देता है। और जैसे ही हाशिताका उस शुगर को मार देता है तो हाशिताका को एक शराब मिल जाता है, और फिर हाशिताका अपना उस शराब को तोड़ने के लिए अपनी एक अलग ही जर्नी पे निकल पड़ता है, जिस जर्नी पे हाशिताका मिलता है प्रिंसेस मोनोके से। और फिर प्रिंसेस मोनोके की हाशिताका क्या हेल्प करता है और हाशिताका अपना शराब कैसे तोड़ता है, ये सब जानने के लिए आपको देखनी होगी प्रिंसेस मोनोके मूवी। एंड लिटरली ये मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। और इस मूवी का मैसेज वो भी काफी ज्यादा अच्छा है कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स की लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है, एनिमल की लाइफ भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्लांट्स की भी लाइफ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी, वो भी नेटफ्लिक्स पे। तो जाइए इस मूवी को एंजॉय कीजिए। वॉली एक काफी इनोसेंट लव स्टोरी मूवी है, जिसमें हमें लव स्टोरी देखने को मिलती है एक रोबोट की। और इस मूवी की अगर मैं हल्की सी कहानी की बात करूं तो इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि अर्थ को छोड़े हुए इंसानों को एक अरसे से भी ज्यादा हो गया है, और सिर्फ अर्थ पे बचा एक वॉली नाम का रोबोट जो काफी ज्यादा अकेलापन फील करता है पूरी अर्थ पे। और फिर अर्थ पे एक दिन एक स्पेसशिप आती है जिसमें से एक रोबोट निकलता है जिसका नाम होता है ईव। और फिर वॉली उस ईव नाम के रोबोट को अपना दिल दे बैठता है, और फिर वॉली क्या क्या मुसीबत झेलेगा अपने उस प्यार के लिए, ये सब जानने के लिए आपको देखनी होगी वॉली मूवी, जिसे मैं आपके लिए हाईली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इस मूवी की स्टोरी तो काफ़ी अच्छी है, इस मूवी का डायरेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा, और इस मूवी का मैसेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ये मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। कोको कोको एक काफी वेल डायरेक्ट मूवी है, और इसका डायरेक्शन भी काफी ज्यादा जबरदस्त है। और इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि जो मिगेल है उसकी फैमिली जो जूते हैं उनका कारोबार करती है, बट मिगेल का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है जूते वूते बनाने में, उल्टा मिगेल का इंटरेस्ट होता है एक म्यूजिशियन बनने में, जिस
उसके लिए वो म्यूजिशियन की काफ़ी तैयारी भी करता है, बट जो मिगेल की जो फैमिली होती है उनको उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता मिगेल का गाना वाना बजाना। और इसके लिए जो मिगेल की फैमिली की जो काफ़ी बड़ी मेंबर होती हैं, आई मीन मिगेल की ग्रैंड बा, वो मिगेल को काफ़ी ज़्यादा डांट देती हैं, जहाँ मिगेल गुस्से में आके अपने घर को छोड़ के भाग जाता है। और फिर उसके बाद मिगेल की लाइफ में क्या दुर्घटना घटेगी वो सब जानने के लिए आपको देखनी होगी कोको मूवी, जिसके लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इस मूवी में जो हमें मैक्सिकन कल्चर दिखाया गया है उसको आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करेंगे। और इस मूवी का भी एंडिंग सीन जो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है और आपकी आंखों से आंसू 100% निकाल देगा। और कोको मूवी ने ऑस्कर अवार्ड भी जीता था बेस्ट एनिमेटेड मूवी के लिए, और ये मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। दी लॉयन किंग, और दी लॉयन किंग आज भी लोगों के दिलों पर राज करती है, और इसका सिंपल रीजन है इस मूवी की एक माइंड ब्लोइंग स्टोरी, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि कैसे स्कार चालक इसे मुसाफा के किंगडम पर राज कर लेता है, और फिर मुसाफा का जो बेटा सिम्बा कैसे स्कार को हराएगा या नहीं और अपने किंगडम को वापस ले पाएगा, यानी इस चीज के ऊपर ही इस मूवी का फोकस रहता है। एंड लिटरली 90s के जो किड्स हैं वो भी आज भी इस मूवी को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और दी लॉयन किंग IMDb की जो हाईएस्ट टॉप 10 की जो रैंकिंग है एनिमेटेड मूवी की उसमें भी आती है ये मूवी। और सच में इस मूवी के बारे में तो लगभग सभी जानते हैं, और ये मूवी डिजर्व करती थी वर्ल्ड बेस्ट टॉप 10 के रैंकिंग में रहना, तो इसलिए मैंने इस मूवी को डाला। वैसे इस मूवी को लगभग सभी ने ही देखा होगा क्योंकि जितना मुझे लगता है। स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स, एंड लिटरली आपने इस जैसा एनिमेशन आज तक नहीं देखा होगा, क्योंकि जब आप स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स मूवी देख रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपको लाइव कॉमिक बुक पढ़ रहे हो। और इसका विजुअल इफेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा, इवन इसका जो साउंड ट्रैक है वो भी माइंड ब्लोइंग है, इवन इसकी स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इसमें हमें दिखाया जाता है कि जो माइल्स मोरेल्स का जो यूनिवर्स है उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जिस वजह से कुछ पोर्टल्स खुल जाते हैं अलग अलग डायमेंशन के, और उस डायमेंशन में डिफरेंट स्पाइडरमैन के वर्जन होते हैं, और फिर वो सारे स्पाइडरमैन के जो वर्जन होते हैं वो माइल्स मोरेल्स के यूनिवर्स में आ जाते हैं, और फिर वो सारे स्पाइडरमैन उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेंगे ये सब जानने के लिए आपको देखनी होगी इन स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स। और इस मूवी का मेन फोकस माइल्स मोरेल्स पर रहता है। वैसे अगर आप स्पाइडरमैन के एक कोर फैन है तो जाहिर सी बात है आपने ये मूवी देखी होगी, बट अगर नहीं देखे तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को जरूर देखिए, क्योंकि आप एक मास्टरपीस मिस कर रहे हैं। और ये मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी, कौन से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे ये मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी कोई से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है। योर नेम, और साफ सीधे लफ्जों में क्या हूँ, ये मूवी एक ग्रेट वर्क मूवी है, जिसमें आपको काफ़ी कमाल का डायरेक्शन देखने को मिलता है, काफ़ी कमाल के कैमरा एंगल शॉट देखने को मिलते हैं, जिस तरीके की सिचुएशन हमें इस मूवी में देखने को मिलती है और उस हिसाब से कैमरा एंगल के शॉट लिए जाते हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा कमाल के लगते हैं, और इस मूवी के क्लोजअप आपको काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और इवन इस मूवी का सॉन्ग भले से वो आप कहीं से कहीं पल्ले नहीं पड़ेगा, बट जिस हिसाब से उस सिचुएशन पे प्ले होते हैं आप उन सॉन्ग को काफ़ी ज़्यादा फील कर पाते हैं, और ये मूवी आपको रुलाती भी काफ़ी है, क्योंकि इस मूवी में जो हार्ट टचिंग मूवमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। और ये मूवी आपको हिंदी में देखने को नहीं मिलेगी, बट इस मूवी का फैन डब है और मैं उसके बारे में आपको बता नहीं सकता क्योंकि मैंने वो चीज़ अभी देखी नहीं है, और ये मूवी आपको कोई से भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर देखने को नहीं मिलेगी। स्प्रिटेड अवे, और स्प्रिटेड अवे को हायो मियाज़ाकी ने डायरेक्ट किया है, और हायो मियाज़ाकी क्यों बेस्ट डायरेक्टर है ये मूवी उसका परफेक्ट एग्जांपल है, क्योंकि इस मूवी में हमें बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट स्टोरी टेलिंग, बेस्ट कैरेक्टर बिल्डअपिंग, ओवरऑल इस मूवी की हर चीज़ ही ग्रेट है, और ये एक वो मास्टरपीस है जो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है ना तो आप एनिमे की दुनिया में बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। और इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि चिचिरो अपनी फैमिली के साथ एक नए टाउन में आती है, बट वो गलती से किसी और जगह पहुंच जाते हैं जहां चिचिरो और चिचिरो की फैमिली को उस जगह पे कुछ शराब मिल जाता है, और फिर चिचिरो अपना शराब अपनी फैमिली का शराब हटा पाएगी या नहीं ये सब चीज जानने के लिए आपको देखनी होगी स्पिरिटेड अवे। और चिचिरो का कैरेक्टर जो काफी ज्यादा इनोसेंट है उसे भी आप काफी ज्यादा पसंद करेंगे, इवन चिचिरो और हाकू की जो पीस का कनेक्शन है उसे भी आप काफी ज्यादा पसंद करेंगे, और इस मूवी का कल्चर जो काफी ज्यादा बेस्ट है, और इस मूवी का काफी इंपॉर्टेंट मैसेज जो हमारे इंसानों की लाइफ में काफी ज्यादा जरूरी है वो भी आप काफी ज्यादा पसंद करेंगे, और वो मैसेज क्या है इसके लिए आपको देखनी होगी स्प्रिटेड अवे। और स्प्रिटेड अवे को ऑस्कर अवार्ड भी मिला था बेस्ट एनिमेटेड मूवी के लिए, और ये मूवी आपको हिंदी में भी मिल जाएगी वो भी नेटफ्लिक्स पर।
ग्रेव ऑफ द फेयरफ्लाइज एंड लिटरली आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स हाउ ग्रेट इज दिस मूवी। आई मीन इस मूवी की जिस तरीके से स्टोरी और प्रेजेंटेशन करी गई है ना, वो आपके दिल को छू जाती है। आई मीन इस मूवी का हर एक मोमेंट आप काफ़ी ज़्यादा डीपली फील कर पाते हैं। और जो इस मूवी का टाइम पीरियड दिखाया गया है वो वर्ल्ड वॉर टू का दिखाया गया है, जब अमेरिका जापान पे बमबारी कर रहा था। एंड स्टोरी का फोकस रहता है सेता एंड सेथ सुको पे, कैसे वो इतनी डेंजर सिचुएशन पे सर्वाइव कर पाते हैं। एंड लिटरली आप इन दोनों कैरेक्टर से काफ़ी ज़्यादा इमोशनली भी कनेक्ट हो जाते हैं। और इस मूवी का म्यूजिक, आई मीन जिस मोमेंट पे वो म्यूजिक प्ले होता है ना, आप उस मोमेंट को काफी ज्यादा फील करते हैं, इतना कि आप इस मूवी में खो जाते हैं। और ये मूवी आपको हद से ज्यादा भी रुलाती है। एंड लिटरली जब मैं इस वीडियो की लिस्ट बनाने बैठा था और मैंने ग्रेव ऑफ द फेयरफ्लाइज मूवी देखी, मैं सच में इस मूवी से इतना डीपली कनेक्ट हुआ था कि मैं 2-4 दिन तक कुछ कर ही नहीं पाया था और इस मूवी के ख्यालों में खो गया था। और उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस मूवी को इतना ज़्यादा फील करेंगे, 100% फील करेंगे, क्योंकि ये मूवी ग्रेटेस्ट मूवियों में से एक है। और ये मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी, कौन से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ये अब तक कोई से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है। और इसी के साथ ये वीडियो करते हैं यहीं ख़त्म। और आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा जो हर एक यूट्यूबर करता है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक का सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रेगुलरली काफी कमाल के कंटेंट लाता रहता हूं। और आप मुझे कमेंट करके ही बता सकते हैं कि आपने इनमें से कौन सी मूवी देखी है। और मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो में कोई नए कंटेंट के साथ।